Dear students, today I am going to explain you all subject science of class 4, chapter number 7. The name of the chapter is sanitization of food and water. ठीक है, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के बारे में दिखाया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है. ठीक है, तो टीचर पूछती है, जैम्स व्हाट आर द यूजेस ऑफ कुकिंग फूड. जैम पूछती है टीचर कि जैम्स बताओ कि खाना पकाने का क्या यूज़ है. जैम्स, सर कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी एंड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन इजी डाइजेशन. कह रहा है कि फिर जैम्स बोलता है कि सर जो खाना पकाना होता है वो हमारे खाना को इजी मतलब सॉफ्ट बनाता है और बहुत टेस्टी बनाता है, जिसकी वजह से हम उसे आराम से डाइजेस्ट कर सकें. टीचर, वेरी गुड. Now Johnny, tell me why should we wash the vegetables before cutting? फिर टीचर पूछती है, फिर टीचर बोलती है बहुत अच्छे. फिर जॉनी से पूछती है कि जॉनी बताओ कि हमें सब्जियां काटने से पहले धोना क्यों चाहिए. फिर जॉनी बोलता है, सर if we wash them after cutting, water soluble vitamins and minerals will be washed away. तो बोलता है जॉनी कि सर अगर हम सब्जी को काटने के बाद धोएंगे तो उसमें से सारे विटामिन्स और मिनरल्स क्या हो जाएंगे, वो सब्जी के साथ धुल जाएंगे और वो बह जाएंगे, मतलब वो सॉल्यूब हो जाएंगे पानी में. टीचर, ओके. निक टेल मी व्हाट मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. फिर वो निक से पूछती है, निक बताओ कि क्या है पानी को जो अनफिट ड्रिंक में बनाता है. फिर निक बोलता है, सर मेनी पॉलिटेंट्स पोल्यूट वाटर एंड मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. मतलब बहुत सारे पॉल्यूशन या फिर पॉलिटेंट ऐसे हैं जो कि हमारे पानी को अनफिट बनाते हैं पीने के लिए. समटाइम माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर ऑल्सो मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग. कभी कभी बैक्टीरिया जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि लाइक प्रोटोजोआ भी क्या करते हैं, हमारे पानी को अनसेफ बनाते हैं. जर्म्स आर डिसीज काजिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोब्स. दे आर बैक्टीरिया फंजाई वायरस एंड प्रोटोजोआ. दे आर फॉर्म इन एयर वाटर सॉइल फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा. जो जर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिसीजेस क्रिएट करती हैं. ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म होती हैं जो डिसीजेस क्रिएट करती हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, माइक्रोब्स भी कहते हैं. और ये बैक्टीरिया भी हो सकती हैं, फंजाई वायरस प्रोटोजोआ, ये सब ऐसी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, एयर वाटर सॉइल फूड, इनफैक्ट एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी. इनके स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं, नाम भी दिया गया है ना. उसके बाद है सैनिटेशन ऑफ फूड. अब बहुत सारी ऐसे मतलब बाहर से जो खाने वाली प्रोडक्ट आती हैं वो बाहर से आती है, उसमें बहुत सारे जर्म्स या फिर डस्ट या फिर बहुत सारी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें लगी हुई होती है. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्ट उसको खाने पे नहीं टूट पड़ना चाहिए या फिर तुरंत खाना नहीं चाहिए. उसको पहले आप सैनिटाइज करें, मतलब उसे साफ करें पानी से दूर, अगर धुलने लायक है, या फिर अगर पैकेट है तो पैकेट को आप साफ कीजिए तब खाइए. इस समय तो इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना. अगर आपका खाना ज़मीन पर गिर जाता है तो आपको उसे उठा के नहीं खाना चाहिए, ठीक है. और जो फेरी वाले आते हैं या फिर जो रोड पे आते हैं फुल्की चाट वाले, जो मतलब ठेलिए पे लगा के आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे से तो कोई चीज़ बनाते नहीं है. वो घर से निकलते हैं तो खुला होता है सब कुछ, बहुत सारे जर्म्स या बहुत सारे कीड़े मकोड़े या फिर डस्ट वो सब क्या आता है, उसी में मिल जाता है. फिर आप आराम से खाते हैं उसे. उसके बाद जब आप बीमार पड़ते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना. तो इन सब चीज़ों से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फूड जो पॉइजनिंग होती है उससे बच सकते हैं. कुकिंग ऑफ फूड, हम कोई भी कच्ची सब्जियां या फिर कच्चे कोई भी चीज़ लाते हैं जो कि हम उसे मतलब कच्चा नहीं खा सकते हैं, तो उसे क्या करते हैं, हम उसे पकाते हैं.
पकाने की वजह से क्या होता है, उसमें से जितनी भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं कुकिंग की वजह से। और अगर आप कुक्ड फूड खाते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी भी होता है ना उसमें, लेकिन ओवर कुक खाएंगे तो वो आपके लिए अनसेफ होगा। अब नेक्स्ट है, देयर आर वेरियस वे ऑफ कुकिंग। अब कुकिंग करने का बहुत अलग अलग ढंग है, हम आजकल तो इतने अलग अलग चीज़ों को खाते हैं क्योंकि कुकिंग ही अलग अलग तरीके से होती है। अब सब चीज़ को एक तरीके से हम उसे नहीं पका सकते हैं। जैसे पहला देखिए बॉइलिंग वाटर, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फिर ऐसी सब्जियां हैं जो कि पानी के उबालने पे ही वो बनती हैं, जैसे राइस है, पल्सेस है, पोटैटोज हैं, और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो कि उसे बॉईल करके ही हम खा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टीमिंग, बहुत सारे ऐसे खाने के प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टीमिंग पे ही वो बनेगी और उसे तभी आप खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इडली हो गया, ढोकला हो गया, ये सब कैसे बनती है, ये स्टीमिंग में बनती है। लेकिन इस केस में न्यूट्रिएंट्स इसका लॉस्ट नहीं होता है ना, क्योंकि ये इसी तरीके से बनता ही है। फिर देखिए यहाँ पे बेकिंग, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ है, ब्रेड है, केक है, पिज्ज़ा है, ये सब ऐसी है कि आप बेक करके ही उसे खाते हैं है ना, ओवन में आप उसे बेक करते हैं फिर बेकिंग हो जाती है तो आप उसे खाते हैं। क्या आप इसको फ्राई करके बना सकते हैं या फिर बॉईल करके बना सकते हैं? नहीं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि ये बेकिंग से ही बन सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रोस्टिंग, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसे हमें भून के हम उसे खाते हैं है ना, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम भून के खाते हैं, वो फ्राई करने पे वो टेस्ट नहीं रहेगा। और कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम अगर फ्राई नहीं करेंगे तो वो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो फ्राई करने के लिए हमें घी, ऑयल, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हम फ्राई कर सकते हैं? समोसा, पूरी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पराठा वगैरह, ये सब किसमें बनेगा? फ्राई करने पे ही। प्रिवेंशन ऑफ फूड, अब हम फूड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब फूड खराब ना हो, ज़्यादा लंबे समय तक चले, उसमें कोई बैक्टीरिया, इंसेक्ट या फिर कोई दूसरी चीज़ उसे खराब ना कर सके। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फूड को एक जगह स्टोर करते हैं या फिर हम उस तरीके से उसे कर देते हैं कि वो फूड जो है लंबे समय तक चले। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे पहला कैनिंग बोला है। कैनिंग जो होती है क्या होती है, इससे बहुत सारी चीज़ें आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ये एक मेथड होता है जिसे कैनिंग कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं, मतलब डिब्बे हैं कुछ, इनको इतना टाइटली बंद किया जाता है कि इनको बड़े लंबे समय तक चलाया जा सकता है और ये बहुत इजीली खुलता भी नहीं है। देखिए इन लोग के डिब्बे किस तरीके से सील पैक्ड होते हैं, तो इस तरीके की पैकिंग या फिर इस तरीके से प्रिजर्वेशन क्या कहलाता है, क्या नहीं कहलाता है। आफ्टर दैट कोल्ड स्टोरेज, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपने फ्रिज में रख देते हैं या फिर कोल्ड स्टोर करते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक चल पाए। तो उसमें क्या क्या है, मिल्क है, कर्ड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कोल्ड स्टोरिंग करते हैं तो ही जाके वो चीज़ सही सलामत रहती है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग, तो कुछ ऐसे पल्सेस होती हैं, ग्रेन्स होती हैं जिन्हें हम सनलाइट में या फिर कहीं और जगह उसमें क्या कहते हैं, उसे ड्राई कर देते हैं। डिहाइड्रेटिंग मतलब उसमें पानी का पहुंचाव ना हो, उसमें नमी ना हो, तब जाके हम उसे आराम से रख भी सकते हैं, उसमें कोई जम्स भी नहीं रहेंगे, वो जम्स भी मर जाएंगे। बॉइलिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बॉइल करके ही आप उसे बचा सकते हैं, अदरवाइज उसमें और कोई चांसेस नहीं है जिससे कि आप उस फूड आइटम को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है मिल्क, वाटर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सॉल्टिंग, अब ऐसे खाने वाली चीज़ें हैं जिनमें आप सॉल्ट डाल के, एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल के रख देते हैं तो उसमें जम्स नहीं आ पाते हैं और वो खाना लंबे समय तक चलता है, वो खाना ही नहीं वो खाने वाली प्रोडक्ट, ठीक है। स्वीटनिंग मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आप स्वीट वगैरह मतलब डाल देते हैं या फिर चीनी का सिरप कह लीजिए या फिर और भी चीज़, कोई मतलब कई तरीके होते हैं जिससे कि आप इन चीज़ों को अगर डाल देंगे तो क्या होता है, ये चीज़ आपका फूड आइटम आराम से कई लंबे समय तक बिना किसी जंक बैक्टीरिया के लगे चल सकता है। फिर है सैनिटाइज सॉरी
सैनिटेशन ऑफ वाटर, पानी का सैनिटेशन कैसे होता है? बिना पानी के तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, हम खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी बिना हम ज़्यादा समय तक नहीं चल सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम शुद्ध पानी पिए, ना कि इन्फेक्टेड या फिर इम्प्योर पानी पिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप साफ पानी पीजिए, और उसमें से इम्प्योरिटीज को हटा के तो ही आप पीजिए। सबसे अच्छा तरीका है पानी को बॉयल कीजिए। पानी अगर आप बॉयल करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता भी है। आराम से पानी को बॉयल कीजिए और पीजिए। उससे भी सस्ता तरीका है एलम, मतलब कि फिटकरी, जानते ही होंगे आप लोग, किचन में रहता है ना एलम। उसको अगर आप एक चुटकी एक पूरी बकेट में डाल देंगे तो वो सबसे ईजीएस्ट और चीपेस्ट तरीका है, जिससे कि आप अपने पानी को सिक्योर कर सकते हैं और एकदम प्योर पानी पी सकते हैं। ठीक है, अगर आप इम्प्योर पानी पिएंगे तो बहुत सारे डिसीजेस क्रिएट हो सकती हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, टाइफाइड, कॉलरा, जॉइंटिस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्प्योर पानी पीने से हो सकता है। तो इम्प्योर पानी पीने से बचिए। बहुत सारे ऐसे केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिससे कि प्योरीफाई करते हैं पानी को, क्लोरीन वगैरह डाल के, तो फिर पानी प्योर हो जाता है। और जो मतलब इम्प्योर पानी होता है इसी तरीके से प्योरीफाई करते हैं। आप हैंड पंप और वेल का भी पानी पी सकते हैं, उसमें क्योंकि वो भी इसी तरीके से ट्रीटेड होते हैं, कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो पानी साफ रहता है और पी भी सकते हैं। आपको पानी पीने से भी पहले इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि आप अपने हाथ को साफ सुथरा रखें, पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले, या फिर किसी भी चीज़ को पकड़ने से पहले अपने हाथ को धुलें, और पकड़ने के बाद भी अपने हाथ को धुलें, जिससे कि आप बहुत अच्छे से रहेंगे, आप बीमार ज़्यादा नहीं पड़ेंगे और क्लीन वाटर पिएंगे भी। प्योरीफिकेशन है, बहुत सारे ऐसे प्योरीफायर्स आ गए हैं जिससे कि पानी को बॉइल करके कलर, मतलब कि उसे क्लीन कर देते हैं। तो ये प्योरीफायर है, बॉइलिंग भी एक प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम पानी को क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट इज ब्रेड इज प्रिपेयर्ड बाय, योर आंसर इज बेकिंग। ओके, सेकंड इज डैश इज मेड बाय स्वैलो फ्राई, योर आंसर इज समोसा। थर्ड इज इडली इज कुक्ड बाय, योर आंसर इज स्टीमिंग। फोर्थ इज पीस एंड पल्सेस आर प्रिजर्व्ड बाय डैश, आंसर इज डिहाइड्रेशन। ओके, फिफ्थ नंबर इज मिल्क इज प्रिजर्व्ड बाय, आंसर इज कूलिंग। नाउ बी नंबर इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज स्टोरिंग फूड फॉर गेटिंग अनस्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, आंसर इज फूड प्रिजर्वेशन। सेकेंड इज बैक्टीरिया ग्रो इन डैश एंड स्पॉइल द फूड, द आंसर इज मॉइस्चर। थर्ड इज फूड शुड बी केप्ड इन डैश कंटेनर्स टाइट। ओके, फोर इज वी शुड नॉट ड्रिंक डैश वाटर, आंसर इज इम्प्योर। जंक्स एंड इम्प्योरिटीज मेक आवर मेक वाटर डैश, आंसर इज इम्प्योर। नाउ मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम्स। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, योर आंसर विल माइक्रोब्स ई। Second is apple, your answer is D, fruit. Third is do not eat, answer is uncovered food, A. Fourth is boiling water, answer will safe water, C. Fifth is always drink, your answer will pure water, B. Now D is true or false. First is sweetening is a method of preserving food, true. Second is vegetables should not be washed after cutting, true. Third, well water is unsafe for drinking, false. Fourth, rain is a main source of water, true. Fifth, Italy is cooked by boiling, false. Okay, in this way your chapter is completed. You will get all the question answers as your homework. So that's all for today. Thank you so much.